डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने 10.4 से पढ़ाना चाहता हूँ। 10.4 यानी क्या है, देखो, रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। हमें इसके बारे में समझना है कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो होते हैं उसमें हार्मोन का क्या रोल है, हार्मोन का क्या रोल है उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। देखो, हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, यानी ब्लड में, ब्लड में हार्मोन छोड़ते हैं। ठीक, टू रीच ए पर्टिकुलर बॉडी, ताकि वो क्या हो सके, बॉडी की किसी खास जगह तक पहुंच सके। इसलिए वो क्या करते हैं, हार्मोन को रिलीज करें, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होगा और ब्लड में पहुंचेगा, और ब्लड में पहुंचने के बाद ये ब्लड के थ्रू किसी टारगेट साइट तक पहुंचना है। टू रीच ए पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, ताकि बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट पर पहुंचे, जिसको हम टारगेट साइट बोलेंगे। ठीक है, हाँ ये है, यानी कहने का मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, और उस हार्मोन को ब्लड में रिलीज होने के बाद ये क्या करते हैं, टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो डक्टलेस होते हैं, यानी इसमें डक्ट नहीं होते हैं। इट मींस दैट हार्मोन रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं इसलिए हम उसको। ठीक, द टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू हार्मोन। अब जो टारगेट साइट है वो क्या करेगा, हार्मोन का रिस्पॉन्स देगा। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, या हम बोल सकते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे डक्टलेस ग्लैंड है, चाहे डक्टलेस ग्लैंड बोलो या एंडोक्राइन ग्लैंड बोलो, सेम है। ठीक है, इन द बॉडी, हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं, ठीक, जो क्या करते हैं, हार्मोन को रिलीज करते हैं और डायरेक्टली इन टू द ब्लड, एंड ब्लड से कहां तक पहुंचते हैं, टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। अब हम इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। नंबर वन रो में क्या लिखा है, देखो, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस ovaries and release hormone from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female. Hormone of pituitary gland, यानी pituitary gland का जो hormone है वो क्या करते हैं, stimulation करते हैं, उकसाते हैं, starting करते हैं, किसको, testes और ovary को। उनको बोलते हैं कि आप क्या करो, एक hormone release करो। अगर वो मेल होगा तो वो क्या करेगा, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा। अगर वो फीमेल होगा वो क्या करेगा, वो ओवरी से इस्ट्रोजन को रिलीज करेगा। ठीक है, ये हमने पिछले वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी हमने अच्छे से पढ़ा था, कि हमने बोला था कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होते हैं, एक वहां से एक हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे वो हार्मोन रिलीज होते हैं उसकी वजह से टेस्टिस ओवरी क्या करते हैं, मेल हार्मोन को रिलीज करते हैं, ओवरी जो है फीमेल हार्मोन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यही है, जब वो रिलीज करते हैं तो क्या होते हैं, रिलीज इट इन द ब्लड स्ट्रीम, रिलीज करते हैं तो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं, एंड रीचेस पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद ये क्या होते हैं, वो बॉडी के बाकी पार्ट्स तक वो पहुंचते हैं, टारगेट साइट तक वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल होगा तो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन बहुत सारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स तक पहुंचेगा, और वहां पर फॉर एग्जाम्पल फेशियल हेयर ग्रोथ करने में वो मदद करेगा, यानी उसको बोले कि फेस पर हेयर उगाओ, ठीक है, वहां पर ग्रोथ करो। अगर वो फीमेल होगा वो ब्रेस्ट डिवेलपमेंट के लिए वो इनिशिएशन करेगा, यानी फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, पहले ब्लड में रिलीज होगा, फिर उसके बाद बॉडी के टारगेट साइट तक, यहाँ जिस जहां तक इसको पहुंचना है वहां तक ये चला जाते हैं। नंबर थर्ड फ्लो चार्ट में लिखा है, दे स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। क्या है ये जो हार्मोन है, यानी जो
रिलीज हुआ था, यानी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और इस्ट्रोजन जो टेस्टिस से रिलीज हुआ और ओवरी से भी रिलीज हुआ फीमेल में, तो ये पहुंच जाते हैं टारगेट तक। टारगेट तक पहुंचने के बाद वहां पर उसको क्या करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं कि आप क्या करो, कुछ बदलाव लाओ, कुछ चेंजेस लाओ बॉडी में। एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी आते हैं तो ये सारा काम हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, एक एडोलेसेंस पीरियड होने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन से यानी टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, अगर वो फीमेल होगा तो ओवरी से इस्ट्रोजन निकलेगा। ये दोनों रिलीज होने के बाद क्या होते हैं, दोनों रिलीज होने के बाद जो है ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और इस्ट्रोजन जो है फीमेल में मेल पार्ट्स तक पहुंचेगा और फीमेल में फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट्स तक पहुंचेगा और वहां पे क्या करेगा, ये चेंजेस के लिए इनिशिएशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा मुश्किल बात कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखो, हाँ आप देखो, द टेस्टिस एंड ओवरी सेक्रेट सेक्स हार्मोन। टेस्टिस ओवरी जो है क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़े। सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, देखो सेक्स हार्मोन होते हैं, एक तो मेल हार्मोन होते हैं, दूसरा है फीमेल हार्मोन। मेल हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं और फीमेल हार्मोन को इस्ट्रोजन बोलते हैं, यही है। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हमने ऑलरेडी पढ़े हैं कि ये जो ये सेक्स और हार्मोन्स है, यानी टेस्टोस्टेरोन्स और इस्ट्रोजन, ये दो क्या करते हैं, मेल अगर होगा तो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के जिम्मेदार होते हैं, अगर वो फीमेल होगा तो फीमेल भी वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनिशिएट कर देंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन इन मेल और इस्ट्रोजन इन फीमेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फर्दर उसके अलावा देखो, द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यही जो सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो है, या आप बोल सकते हैं इस्ट्रोजन जो है, इनडायरेक्टली ये दोनों भी एक हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होते हैं, ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होगा जिसकी वजह से यह टेस्टोस्टेरोन निकलेगा या इस्ट्रोजन निकलेगा। ठीक है, द पिट्यूटरी सेक्रेट्स मेनी हार्मोन। द पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, या ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करते हैं, बहुत सारे हार्मोन रिलीज करते हैं, वन ऑफ विच मेक्स ओवा इन द ओवरीज एंड स्पर्म फ्रॉम एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस फ्रॉम द टेस्टिस। कहने के मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे बहुत सारे हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन उनमें से एक क्या करते हैं, ओवरीज में से ओवा बनाने में मदद करते हैं, और उनमें से कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो अगर वो मेल होगा तो वो टेस्टिस में से स्पर्म को प्रोड्यूस करने में ये मदद करते हैं, ये हार्मोन। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला। यासिरिन सबा हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड। हाँ, अब यासिर और सबा को समझ में आ गया है कि प्यूबर्टी यही एक एज है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड, मीन रिप्रोडक्टिव पीरियड का रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन की सलाहियत यहाँ से शुरू हो जाते हैं, यानी प्यूबर्टी से पहले रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो यासिर और सबा अब ये समझने लगते हैं कि प्यूबर्टी जो है अब इस टाइम हो जाएगा। When one becomes capable of reproduction, इस दौरान क्या हो जाते हैं, एक शख्स सलाहियत हो जाते हैं, इसमें कैपेबिलिटी आ जाते हैं रिप्रोडक्शन करने का। ठीक, बट दे वॉन्ट टू नो इट इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगन कंटिन्यूस और इट टेंड्स आफ्टर समटाइम्स इफ एंड्स आफ्टर समटाइम्स। लेकिन वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये रिप्रोडक्शन का जो कैपेबिलिटी है, ये जो सलाहियत है, वो सिर्फ कंटिन्यू रहते हैं, क्या वो कंटिन्यू रहेगा पूरे लाइफ टाइम प्यूबर्टी के बाद, या वो कुछ टाइम आने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, उन सब के बारे में जानना चाहते हैं। अब वो ये तो जान चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी जो है, रिप्रोडक्टिव के लिए जो कैपेबिलिटी है, वो तो प्यूबर्टी पर इनिशिएट हो जाते हैं, लेकिन एंडिंग कहाँ पर होते हैं, क्या ये कंटिन्यूस है या एंडिंग है, लिमिटेड है, तो इन सब के बारे में जानना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह से हार्मोन क्या करते हैं, रिलीज कंट्रोल करते हैं सेक्स हार्मोन्स को,
और हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। ओवरऑल कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करेगा, फिर वो जैसे ही वो रिलीज करते हैं वो क्या करते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं टेस्टिस से, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिस होगा तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा, और फीमेल हो तो उस हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन रिलीज होने की वजह से मेल में से, मेल के टेस्टिस में से टेस्टिस निकला और फीमेल के ओवरी में से ओवा निकला। ठीक, और मेल में से क्या करते हैं, जैसे कि अगर मेल होगा तो वो क्या करते हैं, मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसको रिलीज होते हैं, अगर वो फीमेल हो तो फीमेल में से क्या होते हैं, ईस्ट्रोजन रिलीज होते हैं। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ मेल में, वो क्या करते हैं 13 साल की उम्र में या 19 साल की उम्र के बीच की शुरुआत में क्या होते हैं, ये प्यूबर्टी स्टेज पर वो क्या करते हैं, बियर्ड्स उगने में मदद करते हैं, अगर वो मेल होगा तो वो मूस्टेज उगाते हैं, आर्मपिट में हेयर उगाते हैं, प्यूबिक के साइड पे वो हेयर उगाते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इनिशिएशन करते हैं। अगर वो फीमेल होगा तो फीमेल में वो क्या करेगा, जैसे ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ, ईस्ट्रोजन जाएगा बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पर, टारगेट साइट पर जाएगा, और इन टारगेट साइट पर जाने के बाद वो क्या करते हैं, टारगेट साइट पर चेंजेस लाते हैं। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी या एडोलेसेंस के पीरियड शुरू होते ही ये चेंजेस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होते हैं, आर्मपिट में हेयर उग जाना होते हैं, वाइटनेस ऑफ द पेल्विक रीजन होते हैं, प्यूबिक हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, वगैरह वगैरह, और बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं वो प्यूबर्टी स्टेज पर होते हैं, और यासिर और सबा जो है वो जानना चाहते हैं कि क्या ये जो चेंजेस है वो यहाँ जैसे शुरू, तो अब उनको तो ये पता चल गया कि प्यूबर्टी स्टेज पर या एडोलेसेंस की शुरुआत पर ये रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी तो काफ़ी आ जाते हैं, लेकिन क्या ये रिप्रोडक्टिव का कैपेबिलिटी है वो सिर्फ कुछ देर तक रहेगा या ये कंटिन्यूसली रहेगा, तो इन दोनों के बारे में, इन दो सवालों के बारे में कि रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी कंटिन्यूसली रहेगा या कुछ देर तक वो रहेगा फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, इन सब के बारे में जानने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। तो यहाँ तक सुनने के लिए और देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एज वेल एज थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच।